शिवपुरी में बुदना नदी ने उगली सरकारी वकील की लाश। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कर रही थी तलाश। हत्या एक्सीडेंट, जांच में जुटी पुलिस। खबर जिले के खनियादाना से आ रही है, जहां 3 दिन से लापता सरकारी वकील की लाश को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को बुदना नदी से बरामद कर लिया है। यहां आपको बता दें कि पिछोर न्यायालय में पदस्थ सरकारी वकील एडीपीओ राकेश रोशन रविवार को अपने मित्र पिछोर निवासी व्यापारी शिवम गुप्ता के साथ कार से गए थे। वहीं दोनों रविवार की रात से लापता थे। सोमवार की सुबह पिछोर थाना पुलिस ने बुदना नदी से सरकारी वकील की कार बरामद की थी। कार की पिछली सीट पर व्यापारी शिवम गुप्ता का शव भी पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन इस दौरान सरकारी वकील का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बुदना नदी में सरकारी वकील की तलाश कर रही थी। इसी दौरान एसडीआरएफ की टीम ने मंगलवार को सरकारी वकील राकेश रोशन का शव बुदना नदी से बरामद कर लिया है। मामले में एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि हमारी पुलिस टीम बीते रोज से तलाश कर रही थी। आज मंगलवार को भी पुलिस की तलाश जारी थी। इसके बाद आज दोपहर करीब 12 बजे सरकारी वकील राकेश रोशन की लाश हमें बुदना नदी में मिली। फिलहाल दोनों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में जांच के बाद जो आएगा उसी के आधार पर कुछ बताया जा सकता है।